हाय गाइज, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1.6 संख्या पद्धति। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। सबसे पहले इससे पहले सूत्र को आप लोग समझ लीजिए। एक नंबर लिखा है कि a के पावर 1 बाई एन, तो 1 बाई जो एन होता है तो नीचे वाला जो मान होता है यहाँ पे रख दिया जाता है और रूट में a को लगा दिया जाता है। अगर a के पावर m बाई एन दिया हो तो n यहाँ आ जाएगा, जो नीचे वाला होगा यहाँ पे आ जाएगा और m जो होगा इस पे लगकर रूट के अंदर चला जाता है। और a के पावर p इंटू a के पावर q, यानी a के पावर कोई दूसरा अंक हो और a के पावर कोई दूसरा अंक हो, यानी नीचे वाला अंक सेम और ऊपर वाला अंक में अंतर हो तो क्या कहता है, ऊपर वाला अंक को जोड़ दिया जाता है और नीचे वाला एक किसी एक को लिख दिया जाता है। उसी प्रकार पांच छ चार नंबर है a के पावर p के पावर q, यानी पावर के पावर है तो क्या होता है कि पावर के पावर में गुणा हो जाता है, यानी p q हो जाएगा, a के पावर p q हो जाएगा। पांच नंबर है कि a के पावर p बटे a के पावर q, यानी नीचे वाला क्या है बराबर है और पावर वाला में अंतर है और भाग के रूप में है तो किसी एक को लिख कर और जो घात होता है वो घात को माइनस कर दिया जाता है, ऊपर वाला घात में से नीचे वाला घात को माइनस कर देंगे। और a के पावर p इंटू a के b के पावर p, यानी अब ऊपर वाला बराबर और नीचे वाला बराबर नहीं हो तो क्या कहता है, नीचे वाला गुणा करके ऊपर वाला ए को लिख दिया जाता है। ये फॉर्मूला है इसका, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात कर देना है इसको। एक नंबर लिखा है कि 64 के पावर 1 बाई टू, दो नंबर है कि 32 के पावर 1 बाई फाइव और तीन नंबर है 125 के पावर 1 बाई थ्री। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। सॉल्व करते हैं। एक नंबर वाला तरीके है कि 64 जो है 64 के पावर 1 बाई टू है तो इसको लिख सकते हैं कि रूट यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है तो 2 होता है और 64 होता है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि इसका 8 आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा भी ऐसे बना सकते हैं कि जो 64 है तो 64 को क्या, 64 के पावर 1 बाई टू है तो इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 2 इंटू 1 बाई टू, तो 2 से 2 कट जाएगा बच जाएगा 8, इस तरह से भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला विधि पे सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा उस विधि पे बनाइएगा लोग। देखिए दो नंबर में लिखा है कि 32 के पावर 1 बाई फाइव दिया है तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे 32 होगा तो 5 और 32 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32, यानी 5 गो 2 होगा। तो यहाँ 5 का मतलब होता है कि 5 गो एक जैसा होगा तब रूट से बाहर निकलता है, तो 5 गो 2 है तो ये गो 2 बाहर निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। तीन नंबर में दिया है 125 के पावर 1 बाई थ्री तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट 125। अब क्या करेंगे कि 125 का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 निकलेगा, यानी यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ ये रूट के अंदर 3 गो एक जैसा होगा तो अब रूट से बाहर निकलेगा, यानी 5 गो 3 है तो ये गो 5 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो इस विधि से निकाल लीजिएगा और ये विधि अच्छा लगता है तो इससे निकालिएगा। दोनों विधि इसका दो नंबर है, दोनों में भी लिखा है ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। एक नंबर में दिया है 9 के पावर 3 बाई टू तो इसको भी 9 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर और ये इसको गुणा में कर देंगे 3 बाई टू तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 का क्या बचेगा, क्यूब बचेगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 का 9 3 27 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 27। दो नंबर 32 है, 32 के पावर 2 बाई फाइव है तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू ये 2 बाई फाइव है तो 2 बाई फाइव लिखेंगे, 2 बाई फाइव तो 5 से 5 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तीन नंबर ये 16 के पावर 3 बाई 4 है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3 बाई 4 लिख सकते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा
और 2 के पावर 3 लिखेंगे तो 2 का क्यूब कितना जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं कितना, 4 नंबर इसका, 4 और 125 के पावर -1/3 दिया है, तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है, तो 5 के पावर 3 लिख देंगे और माइनस में 1/3 है तो 1/3, 3 से 3 कटेगा तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा, तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये निकल गया 400 नंबर, 3 लिखा है, सरल कीजिए। तो एक नंबर में क्या है कि 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5, यानी कि ये जो है इस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, ए के पावर पी इंटू ए के पावर क्यू, तो ए के पावर पी प्लस क्यू, यानी नीचे वाला बराबर है ऊपर वाला बराबर नहीं है, तो क्या क्या था ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, तो इसको बनाने के लिए एक दो लिख देंगे और इसको लिख देंगे 2/3 + 1/5। अब 2 के पावर 3 और 5 कैल्शियम 15 हो जाएगा, और 3 × 5 = 15 होता है, तो 2 × 5 = 10 होगा, प्लस 5 × 3 = 15, तो 3 × 1 = 3, यानी 2 के पावर 13/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक नंबर का आंसर। अब देखते हैं दो नंबर, दो नंबर में लिखा है कि 1/3 का पावर 3 के पावर 7 लिखा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पावर में पावर से गुणा का होता है, तो 1 के पावर 7 होता है, तो उसका मान 1 हो जाएगा, और 3 के पावर 3 है और इसमें गुणा होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, पावर के पावर है तो गुणा हो रहा है फॉर्मूला में, तो उसी प्रकार इसको भी गुणा करेंगे तो 7 का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 3 के पावर 21 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 के पावर -21, क्योंकि ये जो बट्टा होता है ना बट्टा, तो बट्टा को हटा दिया जाता है, जब बट्टा हटेगा और बट्टा में 1 होता है तो माइनस लगाएंगे तो बट्टा हट जाता है। अब क्या करेंगे, 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 11 का पावर 1/2 लिखा है बट्टा 11 का पावर 1/4 लिखा है, ये किस फॉर्मूला पे है, इस फॉर्मूला पे, यानी 1 के पावर p / 1 के पावर q, नीचे वाला बराबर है पावर वाला में अंतर है सेम है, तो क्या करेंगे p में से q, यानी ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर को हटा देंगे, तो 11 का 11 लिख देते हैं और 1/2 - 1/4 कर देंगे, तो 11 का 11 होगा, 2×4 = 4 होगा, 2×2 = 4 होता है, तो 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 होगा, -का -4 = 4, तो 1 + 1 = 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 11 का पावर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ये 7 के पावर 1/2 है इंटू 8 के पावर 1/2 है, ये क्या है, ऊपर वाला बराबर है नीचे वाला बराबर नहीं है, इस फॉर्मूला पे ऊपर वाला बराबर नीचे वाला बराबर नहीं है, तो ये भी है नीचे वाला गुणा कर देंगे और पावर में जो है उसको उतार देंगे, तो 7 में 8 से गुणा करेंगे तो 7×8 = 56 हो जाएगा, यानी 7 × 8 के पावर 1/2 होगा = 56 के पावर 1/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये सब आप लोग समझ गए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।